भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को बहनों पूरा देख करके जाना। सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग से 8 जून को एक ये नया सरकारी आदेश समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के भेजा गया है। भेजे गए इस आदेश में डीपीओ लोगों से कहा गया है कि पीएफएमएस पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका बहनों की जो प्रोत्साहन राशि है, जो नियुक्ति की तिथि है, जो इनका शैक्षिक योग्यता है, इनका मोबाइल नंबर है, इनका जन्म तिथि है, इसकी फीडिंग किए जाने के लिए हेल्प फाइल प्रेषित किए जाने के संबंध में, तो आप सबको पहले भी कई निदेशालय द्वारा जारी सरकारी आदेश दिखाए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि आंगनबाड़ी बहनों की पीएफएमएस पोर्टल पर फीडिंग करनी है, जिनमें उनका शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, प्रोत्साहन राशि, ये सब कुछ वहां पर फीड होता है। तो आइए इस लेटर को पूरा विस्तार से जानते हैं। रामेंद्र कुमार जी हैं वित्त एवं लेखाधिकारी, इनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषय निदेशालय के पत्र संख्या दिया है 10/5/22 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पीएलआई 4 और 5 की समया अंतर्गत फीडिंग किए जाने के लिए जनपद स्तर यानी कि डीपीओ लेवल पर सीडीपीओ और ब्लॉक यूजर क्रिएट करने से संबंधित हेल्प फाइल प्रेषित की गई थी। बाल विकास विभाग की वेबसाइट में एनआईसी योजना भवन लखनऊ द्वारा जिला कार्यक्रम कार्यालय के साथ साथ परियोजना कार्यालय से भी पीएलआई की फीडिंग के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका की शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, इसकी फीडिंग किए जाने के लिए मॉड्यूल में परिवर्तन करते हुए जनपद स्तर यानी डीपीओ लेवल पर अब सीडीपीओ ब्लॉक यूजर क्रिएट करने से संबंधित हेल्प फाइल उपलब्ध कराई गई है। अतः जनपद स्तर पर डीपीओ लेवल पर सीडीपीओ और ब्लॉक यूजर क्रिएट करने से संबंधित हेल्प फाइल इस निर्देश के साथ संलग्न करके प्रेषित की जा रही है कि दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। संलग्नक हेल्प फाइल ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है। तो इनका कहना है कि जनपद स्तर से जो ये फीडिंगें होनी थी इस तरह की आंगनबाड़ी बहनों की पीएफएमएस पोर्टलों पर, तो अब उनको सीडीपीओ लेवल से भी करवा लिया जाए, इसलिए यहां पर जोर दिया जा रहा है। तो सीडीपीओ और ब्लॉक यूजर जो है यहाँ पर अब क्रिएट किया जाएगा, जिसके चलते और भी इन चीजों को करने में आसानी हो जाएगी। इस जानकारी को हमारे पास भेजा था किसी भाई बहन ने, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। इधर हमारे पास एक अगली जानकारी लगी है, बिहार सरकार का एक सरकारी आदेश जो कि 9 जून को जारी हुआ था। नोडल पदाधिकारी ने इस लेटर को जारी करके सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को पूरे बिहार में भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा है एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर खिलौना गतिविधि निर्माण के संबंध में। तो देखिएगा एक यहाँ पर है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर खिलौना और गतिविधियों का निर्माण कराया जाएगा, जिसके बारे में एक ऑर्डर बिहार में निकला है। तो ध्यानपूर्वक सभी भाई बहन सुनना कि बिहार में क्या कहा जा रहा है। इनका कहना है कि निर्देशानुसार उपयुक्त प्रासंगिक पत्र को संलग्न करते हुए कहना है कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत को खिलौनों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना तैयार की जानी है। इस कार्य योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के 14वां मंत्रालय एवं विभागों जैसे कि कपड़ा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग आदि सब इसमें शामिल हैं। उक्त क्रम में प्रासंगिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी ECCE के अंतर्गत 3 से 6 साल के बच्चों के संवेदात्मक एवं मानसिक विकास और मौखिक भाषा और अक्षर ज्ञान विकास, सांस्कृतिक मूल्यों, इन सबका विकास और शारीरिक विकास आदि से संबंधित जो खेल खिलौने हैं यानी कि छपी हुई एवं आभासी जो माध्यम से हैं, उनका उपयोग आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ किया जाता है।
अतः भारत सरकार से प्राप्त पत्र एवं दिशा निर्देशों को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दिनांक 11 जून 2022 तक स्थानीय रूप से तैयार खिलौने, खेल, कहानी, गीत आदि के संग्रह की जो सूची है वो यहाँ पर प्रक्रिया सहित फोटोग्राफ वीडियो को यहाँ पर आईडी दी है eccebihar@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित किया जाए ताकि भारत सरकार को समेकित प्रतिवेदन ससमय प्रेषित किया जा सके। तो यहाँ पर एक लेटर बिहार सरकार से जारी हुआ। साथ ही साथ हमारे पास कुछ मैसेज भी लगे हैं। एक ये मैसेज लगा है जिसमें एक बहन का कहना है, हम झारखंड से बोल रहे हैं, आप हमारी बात को झारखंड सरकार हेमंत सोरेन तक पहुँचाने का कष्ट करें। झारखंड के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बकाया नहीं मिला है, नहीं बढ़ा हुआ मानदेय भी जो मिल रहा है, झारखंड सरकार तक बात पहुंचाने का कष्ट करें, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। तो ये यहाँ पर एक बहन है जो उनकी समस्या है झारखंड राज्य में, क्योंकि उनके वहां पर पिछला बकाया मानदेय प्लस जो बढ़ाया गया था मानदेय उसका भी भुगतान विभाग नहीं कर रहा है। आप सब बहनों को चाहिए कि एक बार अपने अपने जिलों में डीपीओ को भी लेटर लिखें और जहां कहीं भी नेता अगर पधारें तो उनको अपनी समस्या भी वहां पर आपके यूनियनों के द्वारा बतानी चाहिए या फिर जल्द आपके यूनियनों को कोई न कोई ठोस निर्णय लेने चाहिए। मुझे लगता है झारखंड में जो है जो यूनियन है बाल मुकुंद सिन्हा जी का, उनका भी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट आया था, लेटर भी आया था जिसके बारे में आगामी कुछ डेटें तय हुई थी प्रदर्शन के लिए, अगर विभाग कुछ नहीं करता है तो हो सकता है आने वाले वक्त में आप सबके वहां जो है झारखंड में प्रदर्शन देखने को मिलेगा अगर विभाग बहनों की समस्या का समाधान नहीं करेगा। इधर बात करते हैं, एक और हमारे पास मैसेज लगा है। इनका कहना है, सर मेरा नाम नीरू वाला है और मैं मेरठ के जो है बूढ़ बराल वगैरह गांव की आंगनबाड़ी हूँ। मुझे समूह ने मई माह के राशन की कोई जानकारी मुझे ना दे करके स्वयं वितरित कर दिया। लाभार्थियों को पूर्ण राशन भी नहीं मिला। मैंने अपनी सुपरवाइजर सुमर तोमर को जानकारी दी तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर आप सही कह रही हैं कि आपके वहां पर समूह ने आपको नहीं बताया, मई का पूरा राशन बांट दिया, तो जाहिर सी बात है आपके जो रजिस्टर अभिलेख है मई महीने के वो वहां पर जो है पूरे नहीं होने चाहिए। कोई भी हस्ताक्षर अंगूठा कुछ भी लाभार्थी का नहीं होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने वहां डीएम कार्यालय जाकर के इस बारे में शिकायत करनी है और फिर इसके लिए जांच की एक मांग करनी है और कहना है हमारे क्षेत्र में लाभार्थियों से पूछा जाए कि उनको मई महीने में राशन किसने बांटा, हमने बांटा या फिर समूह वालों ने चुपके से बांट दिया। तो जो भी है, आप जो इस बारे में अगर आगे कार्रवाई चाहती हैं तो आपको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये जो काम है वो कार्यकर्ता बहनों का है, ना कि समूह का। समूह का काम है सेंटरों तक जो है यानी केंद्रों तक आंगनबाड़ी के राशन को पहुंचाना, लेकिन काफी जगह जो है सहयोग ले लिया जाता है समूह की बहनों से और वो समूह अपना सहयोग करती भी हैं जैसे जहां जैसा सिस्टम है, लेकिन सिस्टम जो है कानूनी तौर पर वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, काफी लोग जो हैं लोगों को जो है अपने साथ में इसलिए रखते हैं ताकि बहने कि उनको सहूलियत हो जाए राशन वितरण करवाने में, और अगर आपको बिना बताए चुपके से सब हो रहा तो भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं इसमें पनप रही है, तो आप चाहें तो इसके लिए आवाज उठा सकती हैं। बिहार सरकार से एक लेटर यहां पर जारी हुआ है निदेशालय से 9 जून को, और निदेशक जी ने इस लेटर को जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बिहार में भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 जून को अभी जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण होगा उसी के संबंध में प्रतिवेदन भेजने के बारे में ये लेटर उन्होंने निकाला है। तो इस वाले लेटर में देखिएगा प्रपत्र में क्या क्या कॉलम है। लिखा है क्रम संख्या का कॉलम, जिले के नाम का, परियोजना के नाम का, स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, कितने केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण संपन्न हुआ है, कितने केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण नहीं हुआ है, जिन केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण नहीं हुआ है केंद्रवार कारण का उनका उल्लेख भी करो, अनुश्रवणकर्ता का मंतव्य क्या है उसके बारे में भी एक कॉलम बना हुआ है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी बहनों जो बिहार में सामाजिक अंकेक्षण होना है 20 जून को भी, उसी के संबंध में ये जानकारियां कुछ और हैं। साथ ही यहां पर अब आपको बता दें, रविकांत प्रजापति भाई आते हैं, उन्होंने एक ये आर्टिकल मुझको शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है संगठन की बैठक में फूटा है आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का गुस्सा, और ये गोसाईगंज की बहनें हैं, वहीं से ये आर्टिकल निकल के आ रहा है। आइए विस्तार से देखते हैं। लिखा है कई साल पहले दिए गए मोबाइल फोन खराब हो चुके हैं, रिचार्ज करवाए नहीं जा रहे हैं,
लेकिन सारा काम मोबाइल पर ही करवाया जा रहा है। हर महीने गोद भराई अन्नप्राशन करवाया जा रहा है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ता जो बहने हैं, लाभार्थियों को दिया जाने वाला जो पोषाहार है वो संख्या के मुताबिक काफी कम दिया जा रहा है। भीषण गर्मी में भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं किए गए हैं जबकि बड़े बच्चों के स्कूल बंद किए गए हैं। इस तरह की कई समस्याओं को लेकर के आंगनबाड़ी वर्करों के संगठन की बैठक में नाराजगी दिखाई गई है। वर्करों ने उक्त समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन भी तैयार कर लिया, अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री को दिए जाएंगे। और रविवार को गोसाईगंज के कुरियानी गांव में आंगनबाड़ी संघ की बैठक बुलाई गई थी। मंडल अध्यक्ष राम देवी जी ने कहा, जब आंगनबाड़ी वर्करों से बात शुरू हुई तो नीलम वर्मा व दयावती जी ने कहा कि भीषण गर्मी के आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह उसमें जो बंद मिले हैं, यानी भीषण गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं किए गए हैं जबकि प्राथमिक से लेकर के डिग्री कॉलेज तक सब बंद कर दिए गए। तो इस तरह से जो है भेदभाव हो रहा है जो कि काफी चिंता का विषय है, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के छोटे जो बच्चे आते हैं उनकी सेहत पर ये असर डालती हैं ये चीज़ें। तो विभाग को चाहिए था कि लू के थपेड़े और गर्मी से बच्चों को अगर बचाना है तो कम से कम छुट्टियां तो उनकी एटलीस्ट कर देनी चाहिए थी। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चों को 3 से 6 वर्ष वालों को जब गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं मिलती तो आखिर क्यों नहीं मिलती, इसका कारण भी अगर विभाग स्पष्ट करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रही बात THR वितरण की तो और गतिविधियों की, तो गतिविधियाँ जो है केंद्रों पर किसी न किसी दिन ही होती हैं, डेली नहीं होती हैं। रही बात THR वितरण की, वो भी डेली नहीं होता है, वो भी इकट्ठा वितरण हो सकता है जब कोरोना जैसे काल में हो सकता है, तो हर साल गर्मी और सर्दियों में एक साथ वितरण क्यों नहीं हो सकता। इस तरह से यहाँ पर कुछ समस्याओं के समाधान के लिए भी बातें हैं। वहीं पर शारदा बहन आती हैं झारखंड से, इनका कहना है, सुधांशु भाई मैं जो है गुड्डा शायद लिखा हुआ झारखंड से बोल रही हूँ और हमारी झारखंड में मानदेय क्यों नहीं आ रहा है, आंगनबाड़ी सेविका शारदा देवी हैं दरअसल ये। तो देखिएगा यहाँ पर इनकी एक समस्या है मानदेय की, और पिछला भी एक मैंने एक मैसेज बताया जिसमें भी मानदेय की समस्या है। तो झारखंड में मानदेय नहीं बहनों को पहुंच रहा है जिसके लिए बहनें वहां पर परेशान हैं। झारखंड सरकार से और जो है विभाग से भी यही कहना है कि जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए ताकि बहनों की इन समस्याओं का समाधान हो। विमला देवी बहन है जो कि जालौन से आती है, इनका कहना है, भैया जी ग्रीष्मकालीन अवकाश जालौन में क्यों नहीं लागू हुआ, क्या जो है मंथ खत्म होने के बाद होगा। मुख्यमंत्री सर से गुजारिश है कि इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लिया जाए और आंगनबाड़ी बहनों के लिए इस तरह से, ये सोनू राठौर जी हैं जालौन से, उनका अपना ये समस्या और वो जो है अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका कहना है और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि बहनों को मानदेय कम से कम 15,000 तो पर मंथ दिया ही जाए, ऐसा जो है उनका यहाँ पर कहना है। फिलहाल आप सब भी भाई बहन अपनी राय को कमेंट के माध्यम से जरूर दिया करें, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा वीडियो कौन सा जो है अधिकारी या फिर विभाग या फिर मान लीजिएगा कोई नेता भी देखे, क्योंकि ऑल इंडिया की खबरें सच्ची हैं, कभी न कभी इधर उधर तो जाती हैं, लोग देखते हैं, तो समस्याएं भी उसमें कमेंट बॉक्स में आप सबकी होनी चाहिए। बिहार सरकार से निदेशालय से के 9 जून को लेटर निदेशक जी का जारी है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति जो है उसके हैं, उनको भेजा गया। आगामी 20 जून को राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले सामाजिक अंकेक्षण समिति में सहयोग से जुड़ा हुआ है और बताते हैं इसमें क्या लिखा है। इनका कहना है कि संबंध में कहना है कि निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में सामाजिक अंकेक्षण समिति में समुदाय आधारित संस्था या स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में भागीदारी है। जीविका द्वारा संपोषित ग्राम संगठन की सामाजिक अंकेक्षण संबंधित कार्यों में पूर्व में भूमिका रही है तथा विगत सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में सराहनीय सहयोग वगैरह भी प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आगामी 20 जून 2022 को होने वाले सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में स्थानीय ग्राम संगठन के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। इस तरह से यहां पर इनका कहना है। साथ ही साथ आपको बता दें लेटर को सोनी कुमारी बहन वैशाली से आती, उन्होंने भेजे थे, और ये एक बहन है सुनीता देवी सोनभद्र से, साथ ही ये हैं कुसुमा देवी बहराई से, और ये है संगीता तोमर आगरा से, और ये हैं सुखदेवी महाराजगंज से, ये हैं मुन्नी शाहजहाँपुर से, और ये हैं गल्ला परवीन बिजनौर से, साथ ही ये हैं सुनीता जो कि कानपुर देहात से, ये हैं समा परवीन जो कि बरेली से, साथ ही ये हैं मिथिलेश मुरादाबाद से, और ये एक है वंदना सीतापुर से, ये हैं सुमन देवी फतेहपुर से, और ये हैं मीना देवी गोंडा से, और इनके अलावा ये हैं सुधा सिद्धार्थनगर से, ये हैं इंद्रजा पटेल इटावा से, और इनके अलावा ये हैं मंजू देवी औरैया से, ये हैं अनीता बिजनौर से, साथ ही साथ ये हैं विजयलक्ष्मी बिल्लौर से, और लास्ट में हैं अखिलेश यादव जो कि मुरादाबाद से। तो इस तरह से आज का सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं।